नमस्कार साथियों, क्या आप जानते हैं फल्गु नदी यानी रंजना नदी के तट पर अवस्थित विष्णुपद मंदिर, जो भगवान विष्णु के चरण कमलों का प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है इस धरा पर, पृथ्वी पर, भारत और बिहार की भूमि पर, उसके पीछे की क्या कहानी है? तो पौराणिक कथाओं में ये वर्णन है, ये चर्चा है कि बिहार के जंगलों में एक असुर निवास करता था जिनका नाम था गयासुर, और उसी के नाम पर गया शहर या गया के वनों का नाम पड़ा है गया। गयासुर ने निरंजना नदी या फल्गु नदी के जल से अभिषेक कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त की उन्होंने, और वो वरदान के रूप में ये मांगा उन्होंने कि जो भी व्यक्ति हमारा दर्शन, मेरा दर्शन करेगा, गयासुर का दर्शन करेगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसे में स्वर्ग में पापियों की संख्या बढ़ने लग जाती है। जो भी गयासुर का किसी भी तरह के पाप कर्म करने वाले हों, असुर हों, वो गयासुर के दर्शन कर मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते थे। तो स्वर्ग में पापियों की संख्या बढ़ने लगी या आबादी पापियों की बढ़ने लगी, तो ऐसे में भगवान विष्णु से लोग, देवतागण क्या करते हैं, देवतागण अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि हे प्रभु, इस प्रकार यदि स्वर्ग में पापी लोग बढ़ते गए तो स्वर्ग दूषित हो जाएगी, स्वर्ग में पापियों की संख्या हम लोगों से ज्यादा हो जाएगी, तो आप ही कुछ कर सकते हैं हे पालनहार। ऐसे में भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और गयासुर नामक जो असुर थे जिन्हें वरदान प्राप्त था, उनके सर पर पैर रखकर पाताल में ढकेल दिया, उन्हें दबा दिया। और फिर वही स्थान, ये विष्णुपद, वहीं पर भगवान विष्णु के चरण कमल के ये चिन्ह हैं, जिस पर आगे चलकर भगवान विष्णु के मंदिर बनाए जाते हैं, प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको आपके अपने प्लेटफॉर्म बिहार एग्जाम्स बाय एग्जामपुर को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा देना है। नमस्कार, धन्यवाद।